Hello everyone, welcome to my channel. And today I am covering wonderful topic about the operating system. So that the topic name is, as you know, that the process synchronization. So basically, the process synchronization is a very crucial part of the operating system. And according to a undergraduate program and the postgraduate program, it is a major topic in which various type of questions will be asked in the so many semester examination also, and competitive examination also. So we will try to cover the complete tutorial according to a syllabus of the various universities in this particular video. So we will welcome to all my dear learners who have not subscribed me on my channel. So go on the red button and click on the red button and bell button. That's why you can get all the notification regarding the upcoming classes. So let's begin the class. So first one, all we have to use basically the process synchronization is made up of the two things. As we know, the operating system is basically we use the multi-programming right now in a very important आजकल के सिनेरियो में हम लोग मल्टी इन्वॉल्वमेंट यूज कर रहे हैं, राइट. सो मल्टी इन्वॉल्वमेंट यूज करने में हमको डिफरेंट काइंड्स जो है डिफरेंट काइंड्स के कॉन्करेंट ऑपरेशंस यूज करने पड़ते हैं, और उन कॉन्करेंट ऑपरेशंस को करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वेरियस काइंड्स ऑफ द प्रोसेसेस की जरूरत होती है, और वो प्रोसेसेस कहलाती हैं मल्टी टास्किंग इन्वॉल्वमेंट के लिए कोऑपरेटिव प्रोसेस. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि दो तरीके के प्रोसेस हमने देखे हुए हैं, पहला होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और सेकेंड वन इज नोटोरियस कोऑपरेटिव प्रोसेस. जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो कुछ भी शेयर करने का काम करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रिसोर्सेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वेरिएबल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ द मेमोरी बफर्स. ओके, तो कोऑपरेटिव प्रोसेस का यहाँ पे बेसिक रोल क्या है कि हमको प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना है. अब प्रोसेस कब सिंक्रोनाइज होगा, जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के थ्रू यूज करेंगे. जैसे सपोज आप लैपटॉप पे काम करते हो, तो एक ही टाइम पे आप क्या करते हो, कई सारे काम कर रहे होते हैं मल्टी टास्किंग. तो नाउ अडेज एक ऐसे वेरिएबल की यूज होती है, एक ऐसे सिस्टम की यूज होती है जिसमें क्या हो, हम अपने पास यूनी प्रोसेसर हो और हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकें. सो दैट वन टास्क एज द बेड ऑप्शन. ओके, सो अगर हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टी टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे हम एक ही लैपटॉप पे उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर रखा है, मैंने विंडोज का भी इंस्टॉल कर रखा है, मैक भी. सो हमने क्या कर रखा है कि डिफरेंट जो है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है. तो अब हम यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइज करेंगे. तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है. तो सबसे पहले द मेन पर्पस ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन, द टर्म सिंक्रोनाइजेशन इज टू बी यूज हियर फॉर इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज विदाउट इंटरफेयरिंग यूजिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो देयर इज अ मेजर टू टर्म आस्क यू लेटर इन द गिवन स्लाइड. सो द फर्स्ट वन यू यूज टू सिंक्रोनाइजेशन, मीन्स अगर हमें सीरियल मोड यूज कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो क्या होगा, एक प्रोसेस आएगा अपना रिसोर्स लेगा और इजली एग्जीक्यूट होकर बाहर चला जाएगा. ये आपने पहले से पढ़ रखा है. बट अगर हम पैरेलल मोड में बात करें कि अगर कई सारे प्रोसेसेस हैं और हमें मल्टी टास्किंग करनी है, तो अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि कई सारे जो टाइम हो रहे हैं एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सेम टाइम पे हो रहा है. तो अब हम किस तरह से अपने प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि एक टाइम पे दो प्रोसेस रन नहीं हो सकते, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रिसोर्स लेगा, यूज करेगा एंड गो आउट, सेकेंड टाइम पे कोई भी प्रोसेस यूज करेगा एंड गो आउट. तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल मोड में कोऑपरेटिव प्रोसेस जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों, वो एग्जीक्यूट करा लेंगे. बट अगर इसी चीज को हम सीरियल मोड में करें, यूनी प्रोसेसर मोड में करें, तो क्या होगा कि एक ही टाइम पे डिफरेंट टाइप में हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अराइव होगी. हर बार नहीं होगी कि हर प्रोसेस आएगा अपना रिसोर्स लेगा और एग्जीक्यूट करा के उसको एग्जीक्यूशन में भेज देगा. बट अगर हम बात करें कि कई सारे प्रोसेस एट द सेम टाइम, जैसे रेलवे रिजर्वेशन में होता है कि अगर उसी टाइम पे कई सारे जो लोग हैं वो अपनी सीट बुक करा रहे हैं, अगर सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई तो हो सकता है कि वही सीट 10 लोगों को बुक हो जाए. सो हमें अपने प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना हो. सो नेक्स्ट वन इज द व्हाई बेसिकली द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ टर्म एस से, याद रखिएगा एस इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड एस यूज फॉर द शेयरिंग. ओके, तो शेयरिंग अ सिस्टम रिसोर्सेज बाय प्रोसेसेस इन विच वे दैट कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द शेयर डेटा इज हैंडल्ड टू बी
मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा। अब इनकंसिस्टेंट डेटा से मतलब यहाँ पे यही मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे, जैसे एक ही टाइम पे रेलवे रिजर्वेशन में कई सारी सीट बुक हो गई, तो क्या होगा कि हर एक यूजर को उसकी पर्टिकुलर सीट ही मिले, राइट? तो अगर ये नहीं होगा तो डेटा इनकंसिस्टेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे वेगस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टाइप्स हम बता लेते हैं। पहला होता है, देखिए अभी मैंने बताया था इंडिपेंडेंट, देन सेकंड वन इज अ कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट है, सीरियल मोड में आया, प्रोसेस एग्जीक्यूट कराया एंड देन गो आउट, राइट? एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या हो सकता है कि ये शेयर्ड करेंगे। क्या शेयर्ड करेंगे? रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, ठीक है? रिसोर्सेज शेयर करेंगे, चाहे वो रिसोर्सेज वेरिएबल हो, चाहे वो मेमोरी हो, ओके? ये सारी चीजें रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। एंड सेकंड वन इज अ वे प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट, तो सेकंड वन इज कॉन्करेंट में और इसमें पैरेलल, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिमाग में कि हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़े। तो बेसिकली देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि रेलवे रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, सिंगल टाइम पे मल्टीपल चीजें यूज करते हैं। आप एटीएम का यूज करते हो, नाउ टुडे एवरीवन यूज द एटीएम। तो एटीएम में क्या होता है कि एक टाइम पे एक यूजर अंदर गया, उसने एटीएम में अपना पिन डाला, अपने एटीएम कार्ड डाला एंड देन स्वाइप आउट, ओके, अपनी मनी लेके बाहर हो गया। सो इस तरीके से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर हम क्या करें, एक ही टाइम पे सारे लोग अंदर चले जाएंगे और उस एटीएम को यूज करेंगे, तो क्या एटीएम परफॉर्म कर पाएगा? नो। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस सिंक्रोनाइजेशन। मतलब अगर हमें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कोई भी कॉन्करेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस सिंक्रोनाइजेशन, ओके? सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी हैव टू यूज। द प्रोसेस वन वांट टू यूज particular resources, the process 2 want to use the particular resources, and the 4 process 3 wants to use the particular resources. So now if we talk about the multiprocessor system and cooperative processor, so there is a term always being asked, what is a thread? So basically the thread, what is the meaning of the thread? Thread is a defined as a mechanism which ensures 2 or more concurrent. Jab bhi hum baat karenge, agar hum baat karte hain कि कोऑपरेटिव प्रोसेस रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो वो जिसके थ्रू रिसोर्सेज को शेयर करेंगे वो हो जाएगा थ्रेड। थ्रेड जो होता है वो प्रोसेस एक तरीके से जिसको कि हम एग्जीक्यूशन में बार बार डिफाइंड करते हैं, राइट? सो फर्स्ट वन, टू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सिचुएशन इन विच द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोसेस इंटरेक्शन में अराइजेस, सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। सो फर्स्ट वन ऑल बेसिकली द डेडलॉक एंड स्टार्वेशन, अभी इसको रोक देते हैं, मैं बाद में इसको समझाऊंगी क्या होता है कंडीशन। सबसे पहले जो इसके एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं, तो क्रिटिकल सेक्शन इज अ प्रॉब्लम। अब ये बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस आप बताऊंगी सबसे पहले, उसके बाद अब देखिए ये यहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन में मैंने बताया कि एक टाइम पे एक यूजर ने क्या किया, अपनी रिजर्वेशन IRCTC के थ्रू रिजर्वेशन सीट को बुक कर दिया, ओके? एंड उसी टाइम पे हो सकता है वो सीट जो है वो किसी दूसरे यूजर को अलॉट होने जा रही हो। तो अब बताइए वो सीट एज अ रिसोर्स एंड ये जो प्रोसेस था, ये यूजर वन था, इसने क्या किया, अपनी सीट को एलोकेट करने के लिए फॉर्म फिलअप वगैरह किया, ट्रांजेक्शन किया एंड इसने भी उसी टाइम पे कनेक्शन डन कर दिया। अब क्या होगा कि देखिए ये क्रिटिकल सेक्शन क्या है, कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे ये दोनों प्रोसेस क्या करेंगे, वन बाय वन करके ये इस सीट को बुक करेगा। सपोज इसने न्यू दिल्ली से बुक किया एंड इसने आपका ये यूपी तक का इसने टिकट बुक कर लिया। नाउ अब इसने क्या किया, यूपी में किसी सिटी से बुक किया था, सपोज अलीगढ़ से, एंड अलीगढ़ से इसने बुक किया पटना तक का टिकट। तो क्या होगा कि सेम सीट विल बी एलोकेटेड ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसर्स एंड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज अ various type of the program in which we can access shared resources, right? So in which we have to use such a way, then different kinds of this set of protocols we ensure, okay? तो अगर इसी तरीके से process जो है one by one करके आते जाएंगे, resources को use करके निकलते जाएंगे, उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा एंटर करेगा, उसको रिसोर्स को शेयर करेगा, देन थोड़े समय बाद वो निकल जाएगा, इसी तरीके से प्रोसेस आ जाएंगे, लेकिन तब प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज एक ही सेम टाइम पे इस प्रोसेस को यूज करना चाहे, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को इसी तरीके से
ये प्रॉब्लम है कि हमें डिफरेंट 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 डिजाइन करना पड़ता है. सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है. सो देखिए डू से मतलब है कि व्हाइल डू व्हाइल लूप चलाएंगे, डू व्हाइल लूप चलाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी लूप है, हमेशा प्रोसेस जो है वो आते रहेंगे कभी भी एंटर. तो सबसे पहले एंट्री सेक्शन होगा. एंट्री सेक्शन ये दिखाएगा कि जब भी प्रोसेस जो एंट्री सेक्शन में आ गया है तो दूसरा कोई प्रोसेस उसके एंट्री सेक्शन में नहीं आ सकता, उसके बाद ये तुरंत से लॉक हो जाएगा. ओके, देन क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में अपने रिसोर्स को यूज करेगा एंड देन एक्सिट सिस्टम से बाहर निकल जाएगा. ओके, देन सेकेंड प्रोसेस आएगा, फिर से एंट्री सेक्शन में एक बार प्रोसेस आ गया, फिर उसने क्रिटिकल सेक्शन के रिसोर्स को यूज किया, देन वन बाय वन करके उसने उसको यूज करने के बाद गो आउट बाय ट्रू. ट्रू इज अ, जब अगर ये ट्रू हो जाएगा देन इसको यूज कर लेगा. ठीक है, ट्रू कंडीशन बिकॉज ये ट्रू जो है जब इंफिनिटी मोड में चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है सिस्टम जो है वो लूप काउंट क्लोज हो जाएगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू लगा हुआ है. देन सोल्यूशन हमने बता दिया कि वन बाय वन करके हम उसको यूज कर सकते. तो देयर आर बेसिकली थ्री कंडीशंस फॉर दैट. फर्स्ट वन इज योर म्यूचुअल कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब अभी बताएं कि अगर कोई प्रोसेस पी वन अपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन में है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि म्यूचुअल मतलब दो, एक्सक्लूजन मतलब कि एग्जीक्यूशन होने के टाइम पे अगर कोई प्रोसेस कोऑपरेटिव प्रोसेस हम बात करें जो कि सेम रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो अगर वो अपने प्रोसेस जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में है तो कोई दूसरा प्रोसेस जो है उसी टाइम पे उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन में नहीं आ सकता. बात समझ में आ गई. वी से दैट अगर बेसिकली वन ऑफ ग्रुप ऑफ द कोऑपरेटिंग प्रोसेस वांट्स टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रिटिकल सेक्शंस ऑफ द प्रोसेस पी1, सो नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन. ओके, राइट. सेकंड वन इज योर प्रोग्रेस. अब देखिए प्रोग्रेस में क्या होता है कि सपोज ये एक प्रोसेस रिसोर्स है. रिसोर्स में होने के बाद ये P1 जो है इस रिसोर्स को यूज करना चाहता है. ठीक है, एंड P2 भी इस रिसोर्स को यूज करना चाहता है एंड P3, P4, देयर आर सो मेनी. हम दो ऑप्शन लेके चलेंगे. सो यहाँ पे अगर ये इसको यूज करना चाह रहा है तो ये क्या करेगा कि ना तो ये यूज कर पा रहा है अपने रिसोर्स को और ना ही ये यूज करना पड़ा. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज जैसे P1 है, P1 रिसोर्स को यूज कर रहा है लेकिन P2 के एग्जिट सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से क्या है P1 जो है यहाँ पे आता है और पर यहीं पे रुक जाता है, गेट पे एंट्री उसको नहीं मिल रही है. इसी तरीके से P1 के एग्जिट सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है कि P2 उसको रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि ना तो P1 यूज कर पाएगा ना ही P2 यूज कर पाएगा. तो दैट मींस कोई भी रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएगा और दोनों ही यूज करना चाहते हैं. सो ये हो गई प्रॉब्लम ऑफ प्रोग्रेस. तो इसकी वजह से भी हम इसको सोल्यूशन कह सकते हैं. क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है. राइट, आजकल काफी सारे जो है लोग होते हैं कि हम भी कुछ नहीं करेंगे और आपको भी कुछ नहीं करने देंगे, इस तरीके के लोग होते हैं ना, वही है. Then next is a bounded waiting. अब next one bounded waiting क्या है कि suppose यहाँ पे फिर कोई problem है, resource को use करना चाह रहा है, तो P1 क्या है, P1 तो अपने critical section में देखिए आ गया, ठीक है, and P2 भी यहाँ wait कर रहा है इसके critical section को use करने के लिए. तो P1 एक बार आया, उसने critical section को use किया and then वो कुछ time बाद फिर से निकल गया. तो इसने तो एक बार use कर लिया and इसने क्या किया, एक बार भी नहीं use किया. Then P1 फिर थोड़ी देर बाद आया, P1 ने फिर रिसोर्स को यूज कर लिया और P2 यहाँ बैठा ही रह गया, फिर इसने दोबारा में यूज कर लिया, देन इसको फिर से कोई चांस नहीं मिला. इसी तरीके से P1 आते 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 अपने क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है और इन्फिनिटी टाइम तक उसने यूज कर लिया और इसको एक भी मौका नहीं लगा कि ये अपने रिसोर्स को यूज कर पाए. तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो सोल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में बताई गई वो होती है बाउंडेड वेटिंग. मतलब एक को बाउंड कर दिया वेट कराने के लिए, P1 रिसोर्स को यूज करता ही जा रहा है. तो इस तरीके से P2 क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा. अभी यहाँ पे मैंने बताया था ना स्टार वाली कंडीशन, स्टार हो जाएगा प्रोसेस. अब ये स्टॉप क्या होता है कि स्टार मतलब होता है भुखमरी. तो P2 क्या है कि रिसोर्स उसको नहीं मिला इसलिए वो भूखा रह गया. ठीक है,
then classical problem of the synchronization. So basically the there are three classical problem of the synchronization. First one is a bounded buffer, or it is known to be as the also producer consumer problem, and the Darling philosophical problem is the second one, and the last one is a reader writer problem. So one by one we will discuss all the problems here in this tutorial. So let's get ahead. First one is a bounded buffer problem. So bounded buffer में क्या होता है कि देखिए producer consumer problem इसको बोलते हैं, एक produce करता रहेगा और दूसरी तरफ से consumer है जो है consume करता रहेगा. It is also known as to be a classical problem. देखिए यहाँ पे एक buffer है, ठीक है, इस buffer से ये producer क्या कर रहा है, इस buffer को use करने के लिए code चलाएगा, इसको use करेगा, produce करेगा कि buffer use हो जाए and इसको कंज्यूम कर लेगा कंज्यूमर. तो अब हम बढ़ते हैं प्रोड्यूसर ऑपरेशन की तरफ और कंज्यूमर ऑपरेशन की तरफ. तो सबसे पहले हम क्रिएशन वाले की तरफ बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पे हम दो तरीके से सेमाफोर यूज करेंगे. सेमाफोर बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि इट इज अ बेसिकली कंडीशन फॉर द डिफरेंट बाइनरी सेमाफोर एंड द काउंटिंग सेमाफोर. सो इसके लिए मैं ज़्यादा उस पर अभी बात नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है उस पर बात कर रही हूँ कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम होती क्या है. तो यहाँ पे देखिए वेट वेट एंड सिग्नल दो हमने सेमाफोर यूज़ किए हैं. सेमाफोर इज अ सोल्यूशन ऑफ द बेसिक क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, और इसके तरीके से हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करते हैं. तो सबसे पहले वेट पे बात करते हैं. तो वेट स्टार्ट कहाँ से होगा, वेट किसको स्टार्ट करेगा, कंज्यूम को. कंज्यूम ने क्या किया, देखिए कंज्यूम ने सेकेंड वन पे वाई ट्रू ये भेजेगा सिग्नल, सिग्नल भेजेगा, देन हम उसको यूज करेंगे, ठीक है. तो ये यहाँ पे गया और इसने इसको सिग्नल भेजा, देन इसमें एम्प्टी. अब ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये एम्प्टी हो जाएगा तो प्रोसेस जो है इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा, राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिटी नहीं है, एम्प्टी है, कोई भी उसमें बफर में नहीं है वैल्यू. उसके बाद ये क्या होगा, डिक्रीमेंट बाई द एम्प्टी. अब देखिए प्रोसेस जो है वो डिक्रीमेंट होगा, ओके, एंड कंज्यूमर जो है वो इंक्रीमेंट होगा नीचे. अब ये डिक्रीमेंट क्यों होगा, डिक्रीमेंट इसलिए होगा क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोड्यूस जब तक प्रोड्यूस करता रहेगा तब तक वैल्यू जो है कंज्यूम होती रहेगी. जैसे ही प्रोड्यूसर जो है वो वैल्यू को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा और एम्प्टी हो जाएगा, तो जो पूरा प्रोसेस है वो वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होता रहेगा. तो वेट कराना है, वेट किसको कराना है, एम्प्टी, ठीक है. वेट हो गया किसमें, सपोज यहाँ पे देखो एग्जाम्पल समझाते हैं कि सपोज यहाँ पे एस है, एस क्या है, कोई सेमाफोर है, सेमाफोर की वैल्यू जो है वो हमने ले ली है टू, ओके. अब यहाँ पे टू देखिए, टू इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, प्रोड्यूस कर रहा, उसने फिर डिक्रीमेंट कर दिया. अब नाउ इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीमेंट होने के बाद वन हो गई. देन वेट एम्प्टी, अब ये वेट करेगा एम्प्टी, इसने क्या किया, म्यूटेक्स लॉक लगा दिया क्योंकि अब इसकी वैल्यू जो थी वो वन हो गई, ओके. देन परफॉर्म दिस लॉ, रिलीज लूप, सिग्नल म्यूटेक्स. अब ये इसके पास जाएगा सिग्नल करने के लिए कि सिग्नल हमें दीजिए, देन हम उसको वेट करें. तो अब ये कंज्यूमर क्या करेगा, इसी वन को कंज्यूम करेगा वन बाय वन. अब देखिए इस कंज्यूम के लिए देखिए यहाँ पर लूप चलेगा वेट अनटिल फुल. अब फुल यहाँ पे फुल है, फुल कंडीशन है, जब तक ये फुल नहीं हो जाता तो फुल पे वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन. वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो, देन डिक्रीमेंट फुल. अब इसको डिक्रीमेंट किया, देन इसको जीरो कर दिया, देन वेट फुल, देन एक्वायर अ लॉक, फिर से इसने लॉक कर लिया, यानी एस की वैल्यू अब क्या हो गई, जीरो. एंड रिलीज सिग्नल म्यूटेक्स, अब म्यूटेक्स की वैल्यू हमारे पास सिग्नल को रिलीज कर दिया, डिक्रीमेंटेड, इंक्रीमेंट हो जाएगा वन. तो वन आ गई वैल्यू, इंक्रीमेंट होके वन, वन इसके पास फिर से वापस आ गई. दैट मीन्स ये वैल्यू जो है वो एक प्रोसेस के लिए रन कर गई. बात समझ में आई, तो इसी तरीके से वेट और सिग्नल जो है वो प्रॉब्लम यूज करते हैं. अब यहाँ पे डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम इज अ वेल नोन प्रॉब्लम इन अ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम डायनेमिक फिलोसोफर थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज. एक डायनेमिक फिलोसोफर यहाँ पे एक राइस का बाउल होता है, और हर एक फिलोसोफर होते हैं यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव फिलोसोफर आर देयर, ठीक है. तो इनको क्या करना पड़ता है, इनके एक लेफ्ट में चॉप स्टिक होती है और इनके एक राइट में चॉप स्टिक होती है. इनको क्या होना था, पहले लेफ्ट वाली चॉप स्टिक से राइस को उठाना होता है, मतलब एट द सेम टाइम वो एक सेम टाइम पे राइस को नहीं कंज्यूम कर सकते फॉर द डिफरेंट चॉप स्टिक्स, ठीक है. तो हियर इज द प्रॉब्लम.
तो अब हम इसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है, या तो एक समय में एक फिलोसोफर अपनी लेफ्ट वाली को यूज करेगा तो उस समय में राइट वाला अपने राइट फिलोसोफर जो फिलोसोफर होगा वो राइट वाले फोर्क को नहीं यूज करेगा, चॉपस्टिक को नहीं यूज करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर इज द सॉल्यूशन व्हाई ट्रू. अब ट्रू क्या होगा, ट्रू जैसे लेफ्ट वाला मैंने उठाया तो लेफ्ट वाला फिलोसोफर अपना फोर्क उठाएगा एंड चॉपस्टिक जो उठाएगा और उसको राइस को खाएगा. देन वॉल स्टिक आई. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, फर्स्ट वन इज आई इज आई इज टू बी आर सपोज जीरो. ओके नहीं वन, यहाँ पे जीरो लेंगे कि वन लेंगे. एक टाइम पे एक जो फोर्क है वो उसने लिया, एक हाथ में उसके फोर्क है और एक हाथ में चॉपस्टिक है. अब उसको क्या करना है, यूज करना है ना. तो एक टाइम पे वो एक ही चीज यूज करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. ओके सो देन व्हेन वेट स्टिक आई मॉड इज यूज बिकॉज आई इज इक्वल टू फाइव. उन्होंने दे दिया फाइव फिलोसफर आर देयर, सो आई की वैल्यू उन्होंने दे दी है फाइव. नेक्स्ट चॉपस्टिक इज वन एंड डाइनिंग टेबल इज सर्कुलर. वेट स्टिक आई प्लस वन मॉड्यूलो फाइव. अब ये i प्लस वन देखिए, i प्लस वन इज द ऑपरेशन आइटरेशन एंड मॉड्यूलो फाइव इज द नंबर ऑफ फिलोसोफर. राइट, अब समझ में आ गया. तो यहाँ पे i प्लस वन हो गया दैट इज टू. टू प्लस टू का मॉड्यूलो निकालो तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग थ्री. ठीक है, तो देन सिंगल स्टिक i. अब यहाँ पे देखिए i की वैल्यू निकल के आ गई. एंड नेक्स्ट सिग्नल स्टिक वाई. तो एक बार ये कंज्यूम प्रोड्यूसर के लिए चल रहा है और एक बार ये कंज्यूमर के लिए चल रहा है. इस तरीके से वन बाय वन करके जो राइस है वो कंज्यूम हो जाएगा, मतलब कि वो एक टाइम पे खा रहे हैं. सो अगर ये यहाँ पे आ जाएंगे तो ये ईट करने लगेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो थिंक करने लगेंगे. इस तरीके से ये रन करेगा. ओके सो बेसिकली जो फाइव फिलोसफर हैं वो साइमल्टेनियसली हंगरी हैं और ईच ऑफ देम पिक अप वन चॉपस्टिक. डेडलॉक सिचुएशन नॉट अराइजेस एंड वन विल बी वेटिंग फॉर अनदर चॉपस्टिक फॉर एवर. द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, अ फिलोसफर मस्ट बी अलाउड टू पिक अप अ चॉपस्टिक ओनली इफ बोथ द लेफ्ट एंड राइट चॉपस्टिक आर अवेलेबल एंड अलाउ वन फोर फिलोसफर सिट एट द टेबल. That way, if all the philosopher pick up four chopsticks, so there is a solution and deadlock can be avoided for the test. And the last one is a reader writing problem, which is very important. So reader writer is a misfit problem. The writer, जैसे suppose एक ही time पे IRCTC में different kind से हम ticket book करते हैं. So writer क्या कर रहा है, जैसे एक time पे उसने IRCTC की website को देखा एंड टिकट बुक थी, तो टिकट बुक करने के टाइम वो कुछ ना कुछ फॉर्म भरेगा एंड अनदर टाइम पे वो सिर्फ फॉर्म को रीड कर रहा है. तो जब वो फॉर्म भर रहा है सो उस टाइम पे अगर वो रीड कर सकता है, अगर वो राइट कर रहा है तो वो रीड कर रहा है, और वो रीड कर रहा है तो देन राइट, दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली नहीं परफॉर्म होंगे. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि अगर हम मल्टीपल प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं तो टू प्रोसेसेस होंगे, राइडर एंड राइटर, जो मैंने अभी आपको बताया. तो एट द राइटर कैन नॉट बी राइट रिसोर्स वेयर इफ देयर इज नॉन जीरो नंबर ऑफ रीडर्स एंड रीडर कैन नॉट रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली. ओके फॉर दिस सॉल्यूशन हियर कंसीडर अ सॉल्यूशन. सो फर्स्ट वी हैव टू फर्स्ट राइटर राइट्स करेगा प्रोग्राम. तो राइटर में राइट कर रहा है, राइट किसके लिए कर रहा है, वेटिंग करने के लिए, राइटर वेट करने के लिए एंड सिग्नल वेट करने के लिए. तो अब रीडर क्या कर रहा है उसी समय पे, वाइल ट्रू वेट एम. व्हाट इज एम ओवर हियर, दिस इज द म्यूटेक्स लॉ. रीड काउंट प्लस प्लस, रीड करेगा एंड अपने ऑपरेशन में इंक्रीमेंट करेगा काउंट प्लस प्लस. इफ रीड काउंट इज यूज टू इक्वल टू वन देन वेट डब्ल्यू. अगर रीड काउंट जो है एक बार रीड कर लिया उसने तो वो फिर राइटिंग के लिए वेट करेगा, वेट इज फॉर द डब्ल्यू. अब ये ऑपरेशन यहाँ से राइटिंग करना चालू हो जाएगा. देन सिग्नल डब्ल्यू जैसे ही आएगा तो सिग्नल डब्ल्यू के लिए आपका यहाँ पे ये वेट करेगा. अब देखिए इसका कोड चलेगा, तो अब इसका कोड चलेगा तो दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन, राइट.
दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो योर क्रिटिकल सेक्शन. यहाँ पे रिसोर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस रिसोर्स शेयर हो रहे हैं. सो अब यहाँ पे ये बात करेंगे सिग्नल एम. अब इसका सिग्नल एम, अब एम का सिग्नल क्या हो गया, इस जो डब्ल्यू था इसको राइट करने के बाद यहाँ से इसको रिलीज कर दिया गया. दिस इज द एग्जिट सेक्शन. ओके, दिस इज योर एग्जिट सेक्शन, दिस इज योर एंट्री सेक्शन. रीडर ने रीड कर लिया, देन राइट भी हो गया एंड इसका क्रिटिकल सेक्शन चल गया एंड उसके बाद ये हो गया इसका एंट्री सेक्शन एंड एक बार में एक सीट जो है वो बुक हो गई. ओके, एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस चल रहे हैं अब चलेगा सेकेंड वाले के लिए. सेकेंड वाला कौन सा प्रोसेस चलेगा कि अगेन हम उस टाइम पे रीड हो सकता है बट राइट नहीं हो सकता. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे. किसका वेट करेंगे, एम का. एम क्या है, हमारी जो रीडिंग है वैल्यू उसकी वैल्यू है. वेट कहाँ हो रहा है, एम का. एम क्या है, जो भी हम म्यूचुअल म्यूटेक्स का, जब म्यूटेक्स ओपन हो जाएगा तो हम उसको रीड करें. अब ये रीड की वैल्यू क्या थी, काउंट माइनस माइनस, यानी उस समय पे राइटिंग हो रही थी तो रीडिंग की, जो रीडिंग है शुड बी जीरो, बट इन द केस ऑफ रीडिंग शुड बी वन, दैट टाइम द राइटिंग शुड नॉट बी परफॉर्म. ओके, सो रीड काउंट जीरो जीरो, इस पर रीडिंग नहीं हो रही है. इफ रीड काउंट इज जीरो जीरो, यस पहले क्या थी, इसकी वैल्यू वन थी, वन हो गई थी, देन नाउ बिकम्स इट जीरो. अब इसके जीरो जीरो हो गई है तो सिग्नल क्या हो जाएगा, राइट. अब सिग्नल हम क्या करेंगे, राइट करेंगे. राइट करने के बाद फिर हम इसको रिलीज कर देंगे. तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ भी जीरो आ गई. पहले हम चले थे वन से, फिर हमने रीडिंग परफॉर्म कर ली, देन हमने राइटिंग परफॉर्म कर ली. ओके, सो आपको समझ में आ गया. सो ये था पूरा, मैंने तीनों ही प्रॉब्लम यहाँ बहुत ही शॉर्ट में समझाई है. तो हो सकता है आपको प्रोसेस थोड़ा फास्ट लगा हो, बट यहाँ पे प्रोसेस सिंपलाइजेशन का मैंने पूरा टॉपिक जो है वो यहाँ एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है. आगे भी मैं और भी कंडीशंस लेके आती रहूँगी तो सिलेबस जो है जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा आप सभी का. सो लेसन को देखने लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.